भाजी, अपने इस रिश्ते की खातिर मैं अपने बेटे की जिंदगी को दांव पे नहीं लगा सकता। भाई, बहुत सारे फूल हैं, उनसे लिखा है कि 4 दिन बाद। बात बताई, सब करके देख लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर से दूर जाने के बजाय घर जा जाकर मिल रहे हैं। बहुत गेम खेल लिया, अब उस डॉक्टर का फुल एंड फाइनल राउंड करना पड़ेगा। नहीं है, कहीं मेरी बेटी को कुछ हो तो नहीं गया। बाबा जी, मेरी बेटी को ठीक ठाक घर पहुंचा दो, मैं प्रसाद करवा दूंगी। पापा ने गुलीन से पूछा, वो दोनों स्कूल साथ आती जाती है क्या? अच्छा, हेलो डॉक्टर साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी सत श्री अकाल आंटी जी। हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अरे बैठो बैठो बैठो, इतनी रिस्पेक्ट काफी है। क्या हुआ, आप दोनों बहुत टेंशन में लग रहे हैं। कोई घर नहीं पहुंचा क्या? चलिए, मेरे पास एक सवाल है और उसका जवाब भी आप दोनों को ही देना है। तो ये लीजिए आपका सवाल। स्कूल हरियालीपुर कॉन्वेंट, क्लास 7th, रोल नंबर 15। आगे से एक छोड़ के दूसरी बेंच पे बैठती है। तो बताइए कौन है वो, बताइए बताइए। नहीं पता? आपको भी नहीं पता? अरे आपकी गीत खन्ना। कहाँ है मेरी बेटी गीत? अच्छा, कहाँ है मेरी गीत? पर कैसी माँ है आप? आपके पास उसकी डिटेल्स ही नहीं है। ओ जी, उससे ज्यादा तो मेरे पास उसकी डिटेल्स हैं। चलिए छोड़िए, अभी ना मुद्दे की बात पे आते हैं। आपको पता है कि शहर में कितने क्रिमिनल टाइप्स लोग घूमते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे को पकड़ के उनके हाथ पैर तोड़ के रास्ते में भीख मंगवाते हैं, और अगर बच्चा जिद्दी हो तो सबूत मिटाने के लिए टुकड़े करके फेंक देते हैं। इमेजिन करो आप, और तू भी, और मेरा मतलब डॉक्टर साहब, आप भी इमेजिन करिए। मेरी बहन कहाँ है? कहाँ है मेरी बहन? ये तो मेरी गीत का बैग है। ओए शोकी, ओए गीत कहाँ है? ओए ओए, कहीं तोड़ मरोड़ के इस बैग में तो नहीं डाल दिया? बेटा छुपन छुपाई खत्म हुई, अब हम कहाँ हैं? हम घर आ गए, है ना? अरे मेरी गीत। अरे पाजी, तू ठीक है ना? ओ ना जी, अब मेरा मतलब है अभी तो बिल्कुल ओके है। शोकी, वो कौन सा फेमस डायलॉग है यार? और तुम लोगों ने अगर पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो तुम्हारे बच्चे के छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। ओए सुपर हिट। हाँ जी डॉक्टर साहब, तो आई गलत समझ में, आपके लिए बेहतर यही है कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अजूनी और उसकी फैमिली की टेंशन आप मुझ पर छोड़े ना, मैं हूं उसके लिए। जितना ज्यादा आप अजूनी से दूर रहेंगे उतना ही ज्यादा आपको आपके फैमिली के करीब रहने का मौका मिलेगा। और ये मेरा लास्ट ऑफर है, चलता हूं। मेरा मतलब है आता हूं। वैसे आप तो बहुत समझदार हैं, अगर आप चाहेंगे तो मुझे दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो बेटा
आप कल आराम से स्कूल जाना, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। लीजिए, आप लोगों ने जो लिस्ट दी थी वो तो मैंने पूरी कर दी। भाटिया साहब की पूरी फैमिली हो गई, अरे खन्ना साहब की पूरी फैमिली भी हो गई भरत। ठीक है अब बढ़िया। अरे हाँ नीरू, तुम्हारा कोई गेस्ट ऐड करना हो तो बता दो, वरना फिर क्या होगा, वो काजू की बर्फियां भेज भेज के सबको मनाना पड़ेगा। अरे बर्फी से याद आया, पापा वो हम लोगों को ना मेन्यू में एक मिठाई ऐड करनी है, तो आप लोग बता दो कौन सी है। तू बता। अरे एक सेकंड रुको, मैं ऑप्शन बता देता हूँ कौन कौन सा है। एक तो रसमलाई है, गुलाब जामुन है, काजू कतली है, तो आप लोग बता दो कौन सी, चमचम भी है, तो कौन सी ऐड करनी है बताओ। वीर जी इसमें से एक भी अच्छी नहीं है, आप कोई दूसरा ऑप्शन दो। चमचम चमचम अविनाश का कॉल है। एक मिनट, हेलो। हाँ अविनाश बेटा, हाँ तुम बताओ कौन सी मिठाई खाओगे। नहीं नहीं वो भरत लिस्ट बना रहा है ना। अरे सबकी अपनी अपनी चॉइस चल रही है यहाँ पे। तुम क्या कहा अविनाश ने? पुत्र बोल। क्या हुआ पापा, बोलो ना। अविनाश ने शादी के लिए मना कर दिया है। तू क्या बोल रहा है अविनाश, ऐसा क्यों बोलेगा? अरे कल तक तो सब कुछ ठीक था, अब ऐसा क्या हो गया? उस गुंडे ने अविनाश की बहन को किडनैप कर लिया था। अब कोई गुंडा किसी फैमिली को जान से मारने की धमकी देता है तो सामने वाला बेचारा क्या कर सकता है बता। वाहेगुरु ये क्या हो गया? जी फैमिली का टेंशन तो नहीं है, लेकिन उसके साथ जो भाभी नाराज हो रही है ना, वो लॉस हो रहा है पाजी। ओए लाले, घर वाले की टेंशन तो लेनी पड़ेगी ना, भाभी का कन्यादान कौन करेगा? और जब से डॉक्टर के साथ शादी टूटी ना, और गर्म लग रहे मैनू। उस डॉक्टर का तो इंतजाम हो गया, लेकिन अब इस फैमिली का 100% इंतजाम करना पड़ेगा, जिससे वो अजूनी का हाथ खुद मेरे हाथ में आके दे दे। रोशनी, अरे अपने दुकान का ऐड आ रहा टीवी पे। की है? उछल तो ऐसा रहे हो जैसे कोई अमेरिका के टीवी पे तुम्हारा ऐड आ रहा हो, आ तो लोकल चैनल पे रहा है। अरे भाग्यवान, बनिए की बीवी है, कुछ तो दिमाग लगा। अरे मेरा माल भी तो यही लोकल में बिकना है ना, इससे शहर भर में न्यूज फैल जाएगी। और क्या चाहिए मुझे, अपना भी बिजनेस क्या स्पीड पकड़ेगा देखना। मेहर क्या कर रही है वहां?
पर्दे खोल रही थी, क्या हुआ बाबा? पर्दे क्यों हटा रही है? रहने दे, बाहर तीनों गुंडे बैठे ना। पापा कब तक हम उनके डर से ऐसे घर में पैक होकर बैठे रहेंगे? रुक, मैं देखता हूं। अरे बुआ, इतनी देर लगती दरवाजा खोलने में? की होया बिंदु, इन्हीं परेशान क्यों है? उस गुंडे ने पूरे शहर में हमारी बेइज्जतियां कर दी हैं। टीवी चलाओ। सत श्री अकाल जी। मुझे कहते हैं कि जोड़ा ऊपर वाला बनाता है, लेकिन मिलते वो नीचे। ऐसे ही एक जोड़ा शादी के बंधन में बंधने जा रहा है, लेकिन शादी से पहले होती है रिंग सेरेमनी। वो जी वो होगी। वो जी रुकावट के लिए खेदे जी। हाँ तो वो होगी होटल महालक्ष्मी लक्ष्मी गार्डन। वो जी होने वाली दुल्हन है प्रोफेसर सुभाष वोरा जी की कुड़ी कुमारी अजूनी वोरा। होने वाला दूल्हा है रविंदर सिंह बग्गा का छोटा बेटा चिरंजीवी राजवीर सिंह बग्गा, यानी कि मैं खुद। जो जो ये एड देख रहा है उन सबको खुला इनविटेशन है, आप सबको मेरी सगाई में आना है। नो गिफ्ट ओनली ब्लेसिंग्स। और जो कोई भी एड्रेस पे टाइम चूक गया हो तो नो प्रॉब्लम है जी, नीचे चल रही पट्टी तो नोट कर ले। तो मिलते हैं सीधा मैरिज गार्डन में। That's all. मम्मी, 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 मम्मी। देख के चलो डॉली। और चमको, मैं देख के चलूं? तेरी आंखें फूटी हुई हैं क्या? चल अभी देख क्या रही है, जल्दी साफ कर, वरना मम्मी ने देख लिया ना तो तेरा मुंह तोड़ देना है आज। छेदी छेदी साफ कर। एकीश और मचाया हुआ है। जब बेबे ने सुन लिया ना तो उन्होंने जबान खींच लेनी है। और ऐसा किए और तू की शक्ल देख रही है मेरी, साफ कर जल्दी। चमको एक आज छेती छेती साफ कर, किसने पैर से लग जाना है। अरे अब ये फूलदान किसने तोड़ा? ऐ है ना आफत इस घर दी, पूरा दिन घर में छलांगा मारती बस घूमती रहती है। मम्मी जी, भाभी देखो ना, मम्मी सारा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती है। और तू इधर मेला लगा हुआ है जो तू तमाशा देख रही है, चल साफ कर जल्दी। और तू क्यों चिल्ला रही थी? ओ मैं तो भूल ही गई, मम्मी वीर जी ब्याह कर रहे हैं। मैंने राजवीर वीर जी को अभी टीवी पे देखा। होए कुछ अकल उकल है कि नहीं? मम्मी मैंने अपनी आंखों से देखा, केबल टीवी पे अनाउंसमेंट किया है उन्होंने अभी। वो कुकू और शौकी भी थे वहाँ पे। परसों रिंग सेरेमनी करेंगे फिर ब्याह, पूरे शहर को इनविटेशन भी दिया है। वो मजाक कर रहा होगा। हाँ राजवीर पाजी है वो, उनका मजाक भी सीरियसली लेना। हेलो, हाँ हाँ बोल रहा हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं हो रहा मेरी बेटी ब्याह किसी के साथ। अजीब अजीब लोग हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं। हेलो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बकवास कर रहे हैं टीवी वाले, दोबारा कॉल मत करना, बंद करो। बेवकूफ।
सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। सत श्री अकाल भाभी जी। सत श्री अकाल जी। बधाइयां सुभाष जी, बहुत वधिया काम किया। पर एक बात समझ में नहीं आई, अजूनी की सगाई के मात्र दो दिन है और हमें टीवी से न्यूज मिल रही है। वाह सुभाष जी, हम पड़ोसियों से छुपाइएगा अब। वैसे सुभाष जी, आपने बहुत तगड़ी प्लानिंग की, अजूनी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में रख दिया, उसकी लाइफ तो सेट है ही। रविंदर बग्गा का समधी बन के ना आपने अपना भी फ्यूचर सेट कर लिया जी पॉलिटिक्स में। भाई साहब, एमएलए सेमएलए बन के हम पड़ोसियों को भूल मत जाना। बहुत हो गया आप लोगों का, यहाँ कोई सगाई नहीं हो रही है। चलिए निकलिए यहाँ से, जाइए थोड़ी तमीज सीख करके आइए। हाँ ठीक है सुभाष जी, धक्के को मार रहे हो, आपने कौन से तमीजों के पाठ पढ़ रखे हैं? कल तो बड़ी तरीफे कर रहे थे वो डॉक्टर शाक्टर की है। बग्गा जैसी मोटी पार्टी के मिलते ही पुराने वालों को छोड़ दिया। निकलो यहाँ से अभी के अभी। निकलो। हाँ ठीक है सुभाष जी, निकलो यहाँ से। ठीक है चलो चलो। कोई नहीं। नहीं करते। मैं हार गया दीदी, मैं हार गया। अब तक जो इज्जत कमाई थी मैंने, सब मिट्टी में मिल गई। तेरा बाप हार गया बेटा, हार गया। अजूनी पुत्र, मैंने लड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन हर बार मैं कमजोर पड़ गया। सारी लाइफ मैंने ईमानदारी से, सेल्फ रिस्पेक्ट से जी, कभी किसी का बुरा नहीं चाह, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा। तेरा बाप किसी लायक नहीं है। नहीं पापा, ऐसा नहीं कहते पापा, आप नहीं हारे हो, मैं आपकी बेटी हूं ना। जब मैंने अभी तक हार नहीं मानी तो आप कैसे हार मान सकते हो? हम लड़ेंगे पापा। राजवीर ने बहुत मनमानी कर ली अपनी, हमारी हेल्प करने वालों को उसने धमकी देकर डरा दिया, पूरे शहर में हमारी बदनामी कर दी है उसने। लेकिन अब बस, जितना करना था ना वो कर चुका, अब जवाब देने की बारी हमारी है। ये कैसे हो सकता है पुत्र? अब उसी का तरीका उसी पे अपनाना होगा। उसने टीवी पे आके हमारी फैमिली की बदनामी की है ना, अपने बाप के नाम पे गुंडागर्दी करता है ना वो। अब उसी टीवी उसी मीडिया के सामने उसे और उसके बाप को एक्सपोज करूंगी। अब खुल के लड़ने की बारी है पापा, हम खुल के लड़ेंगे अब। ये आसान नहीं है बेटा, बहुत पावरफुल लोग हैं वो। अरे तुसी सही कह रहे हो वीर जी, पुलिस को तो जेल में लेके घूमते हैं वो लोग। मीडिया को कंट्रोल करने में कितना टाइम लगेगा उन्हें? आपको मंजीत चीमा याद है? पुलिस में होके भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर सका था वो। किसी पे भरोसा नहीं कर सकते अब। अरे लेकिन बुआ, ऐसा कब तक चलेगा? हम लोग चुप बैठे हैं ना, इसीलिए वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। हाँ पापा, लेकिन उससे पंगे लेंगे तो बाकी फैमिली मेंबर्स को भी परेशान करना शुरू कर देगा वो। ये सिर्फ अजूनी की लाइफ के मैटर्स नहीं है अब, अरे मेहर के लिए भी रिश्ता ढूंढना है ना हमें। पर ओके, ऐसा कुछ भी मत कर देना कि इसकी भी लाइफ खराब हो जाए। अजूनी बेटा, मैं नौकरी वाला आदमी, भरत नौकरी ढूंढ रहा है, आगे जाकर तुझे भी कुछ ना कुछ काम करना है ना बेटा,
अगर राजवीर ने गुस्से में कुछ कर दिया ना बेटा, तो हम सब की लाइफ बर्बाद हो जानी है। उस गंदे आदमी के मुंह लगने से कुछ किसी को भी नहीं मिलने वाला है बेटा, हम में से कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन पापा। बस बेटे, इस गल को हम यहीं खत्म करते हैं, बस।